बस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को चिलचिलाती धूप में बिजली कटौती को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। यूनियन के मंडल अध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव और अपर जिलाधिकारी ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठने से मना किया, लेकिन यूनियन के पदाधिकारी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी कोई भी किसान धरने से नहीं उठेगा। उन्होंने कहा कि बिजली नियमित न मिलने से खेतों में खड़ी फसल सूख रही है। किसानों को 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए जिससे वो अपने खेतों में खड़ी फसल की सिंचाई कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के बिजली कनेक्शन का बकाया माफ किया जाए। यहाँ आज कलेक्टर ऑफिस में आए, कई दफ़े मैंने ज्ञापन दिए कि किसानों के देखते हुए जो चकबंदी जहाँ जहाँ की है, वो बड़ा केशव है, पृथ्वी सनौरा है, बहोरा है, इन गांवों की जो फसलें खड़ी हैं और वोटिंग भी हो चुकी। अगर आप लोग वोटिंग नहीं मानते हो, एक वोट से अगर विधायक सांसद बनता वो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन हम 89 में जीते, लेकिन अभी तक इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला कि चकबंदी नहीं होगी। बार बार मैंने डीएम साहब को अवगत कराया, डीएम साहब का चिन्हांकन होगा तो हम राशन पानी डाल रहे हैं, अब कर लो, किसान यहाँ बैठेगा, आराम चकबंदी कराओ। अगर हटगर्मी ये करते हैं, पहले हम कहते हैं हमें समय दिया जाए और समय नहीं देते हैं, तो हम मैं तो ये कहता हूँ कि फसल बोल्डर चलवा दो, मक्का कटवा दो, तरबूज कटवा दो और आराम चकबंदी करा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे फसल काटो, चल गए कम से कम, किसान बर्बाद हो कोई बात नहीं, ये ऊपर हो जाएगा किसान बर्बाद हो रहा कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय किसान को बर्बाद करने में जुटे हैं। ज्ञापन देने आए, ज्ञापन में आप डीएम साहब नहीं मिले, आपसे जो बातचीत हुई घंटे का, उसमें क्या आपका संघर्ष? ज्ञापन में अभी हमारा हल नहीं हुआ, मैं तो ये कहता हूँ बड़ा केशव की वोटिंग हो चुकी, हल भेजी जाए, वो वोटिंग हो चुकी फाइल भेजी जाए, और जो पट्टे नष्ट हुए हैं शंकर माधवपुर के, परिवार योजन हुए थे, उनको कहीं पे जमीन दिलाई जाए, उन काश्तकारों को। सारे मुद्दों पे अभी चर्चा बाकी है, उन्होंने 2 दिन का समय हमारे ज्योति साहब के द्वारा लिया था कि 2 दिन में हम बैठेंगे, लेकिन हम ऐसा हमारे गले नहीं उतरा के हम यहाँ चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब जो करना है उनको कर लीजिए, 2 दिन नहीं, हम 7 दिन बैठे रहेंगे यहाँ। किससे बात हुई आपकी? एडीएम साहब से हुई और सिटी मजिस्ट्रेट हुई और अतिरिक्त एसडीएम से हुई। कितना समय मांगा उन्होंने दिया? 2 दिन का समय उन्होंने दिया, लेकिन हमने 2 दिन यहीं पे बात कर लो। तो आप यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, यहाँ पे कितने लोग आए? हम यहाँ करीब 400-500 लोग मौजूद में आए हैं और सारा राशन पड़ा है, सब लेके आए हैं। स्ट्रीट बस के लिए फर्रुखाबाद से रविनंदन की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।